साई की बात। बच्चे, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, जीवन प्रयत्न मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। उनके जीवन से सारे कष्ट, सारे दुख को मैं खत्म करता हूँ, जड़ से खत्म करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें कभी दुखी और परेशान नहीं देख सकता। ये जीवन है ना, इन जीवन के कर्मों के अनुसार मेरे बच्चे हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इसी के कारण हमें सुख और दुख मिलता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने साई की शरण में हो। तुम्हारा साई तुम्हारी स्वयं रक्षा करता है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साई तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेता है। मेरे बच्चे, मैं निकाल लेता हूँ। तुम जहाँ भी फंसते हो ना, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं ना, उसे मैं खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तुम्हें वहाँ से निकाल लेता हूँ। और जो मेरा बच्चा तन मन धन से मेरा हो जाता है ना, तो उसका साई सदैव के लिए ना उसका हो जाता है। मैं सदैव के लिए अपने बच्चों का हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने बच्चों में वास करता हूँ, अपने भक्तों में वास करता हूँ। और तुम तो इतने प्यारे हो मेरे बच्चे, इतने अच्छे हो, इतने नादान हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास तो मैं जीवन प्रयत्न रहूंगा, हमेशा रहूंगा मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत आएगी, तुमसे पहले तुम्हारा साई खड़ा होगा। और सुनो मेरे बच्चे, अपने मैं कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत संतुष्ट में रहते हो मेरे बच्चे, संतुष्टता में रहते हो। मुझे यही गुणना तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम जिस तरह से रहते हो ना, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रखते और हमेशा देने की सोचते हो। जो तुम्हें मिलता है उसमें तुम खुश रहते हो ना, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चे। तुम संसारिक मोह माया से बहुत दूर हो चुके हो, क्योंकि तुम अपने साईं पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो कि तुम्हारा साईं सब ठीक करेगा, तुम्हारे साथ हूँ मैं। और यही चीज ना मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे। बस इसी तरीके से रहना, तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारा है मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि मुझे अजमाना या मुझ पर शंका करना छोड़ दो मेरे बच्चे। जो मैं हूँ ना मेरे बच्चे, मैं हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कभी कभी शंका आती है ना कि साईं है या नहीं है, उनकी लीला होती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जो मेरा सच्चे भाव से मेरा बच्चा मुझे पुकारता है ना, उन्हें ही मेरी लीला देखने को मिलती है। और जो छल कपट से मन में शंका लेकर मुझे अजमाता है ना, उनके सामने मैं कभी लीला नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में लीला करूं, तो अपने मन से सबसे पहले शंका हटाओ। जो ये अजमाते हो ना, ये मत किया करो मेरे बच्चे, विश्वास करो। क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ साई है। मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें दिखाई भी दूंगा, तो मैं दर्शन भी दूंगा मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारी लाज बचाई है मेरे बच्चे, और आगे भी बचाऊंगा। जो तुम खाना करने वाले हो ना, वो खाना कम नहीं पड़ेगा, उसमें उदी मिलाना। कभी भी खाना कम नहीं पड़ने दूंगा मैं। और सुनो, मैं भी आऊंगा ग्रहण करने मेरे बच्चे, मैं भी आऊंगा। और मैं अपने कुछ बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि उदी की महत्वता को समझो मेरे बच्चे। उदी वो आशीर्वाद है, वो संजीवनी है मेरे बच्चे। जो विश्वास से लिया जाए ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाती है मेरे बच्चे। और जो तुम्हें पथरी की बीमारी है ना, जो पथरी है तुम्हें, रोज मेरे बच्चे उदी लो विश्वास के साथ, देखना वो जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हें उसके लिए अपने साईं पर विश्वास करना होगा, भरोसा दिखाना होगा मेरे बच्चे। रोज उदी जल लो, फिर देखना मेरे बच्चे, जड़ से सब कुछ खत्म हो जाएगा। पथरी का नामो निशान नहीं रहेगा तुम्हारे शरीर में, देखना मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुमने जो गुरु ध्याया है ना मेरे बच्चे, तो कोई बात नहीं, गुरु के पास जाना गलत बात नहीं है। लेकिन तुम जहाँ भी जाओगे ना, हर जगह तुम्हें मैं दिखाई दूंगा। तुम्हारे उस गुरु में तुम्हारा साईं तुम्हें दिखाई देगा मेरे बच्चे। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। और मेरे कुछ बच्चों का मन है होली मेरे साथ शिरडी में मनाने का, तो मैं तुम्हें वहाँ बुलाऊंगा मेरे बच्चे। शिरडी आ जाना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। शिरडी आना, साथ में मिलकर होली मनाएंगे मेरे बच्चे। खुश रहो, बहुत सारा प्यार। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।